इन्फ्लुएंशियल होता है कि जब आपके बड़े जो है फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिल्मों का एक वातावरण था फिल्म बफ्स थे मेरे फैमिली मेंबर्स और मैंने भी ये महसूस किया कि जब बचपन में हम फिल्म देखना सिनेमा देखने जाते थे तो जब ऑडिटोरियम में अंधकार हो जाता था और एक फ्लिकरिंग लैम्प से वो यू नो स्क्रीन प्रोजेक्ट होती थी तो आई यूज टू फील वेरी गुड कहीं वो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी हालांकि मैंने 10-11 साल की उम्र में मेंटली ये डिसाइड कर दिया था कि मुझे कुछ फिल्म मेकिंग के बारे में पता नहीं था बाय द वे कि कैसे किया जाता है हाउ फिल्म इज मेड व्हाट आर द बट समवेयर इन माय माइंड आई मेड माय डिसीजन कि मुझे मुझे फिल्में बनानी है एक्टिंग नहीं करनी है फिल्म डायरेक्ट करनी है लेकिन बताने की किसी को हिम्मत नहीं थी और मैंने हिम्मत करके अपने एक दोस्त को बताया जो मेरे मोहल्ले में रहता था तो मेरे बहुत ही भजियत हुई तो मैंने कहा मैं किसी को ये बात बताऊंगा नहीं आ, उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में गया हैदराबाद में जहां पर मैं थोड़ा खुले तो जब मैं वापस आया तो मैंने पिताजी से बहुत डरते डरते बात शेयर करी कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है एंड बोथ बोथ माई पेरेंट्स वर वेरी अम्यूज उनको लगा कि लड़का हीरो बनना चाहता है तो uh, मैंने कहा नहीं <laughs> मैं हीरो नहीं बनना चाहता वो लगे थैंक गॉड मेरे फादर ने कहा कि हमारी शक्लें वैसी है नहीं लेकिन uh, तो, uh, टाइम कि मैं करीब 16 एक साल का था जब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये पुख्ता हो गया मुझे यही करना है लेकिन दिल्ली में जब आया हिंदू कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब एक्चुअली दिशा मिली मुझे कि ये कैसे किया जाएगा क्योंकि दिल्ली में जो एक तो मेरे यार दोस्त बने जो आज भी हैं दूसरा फिल्म सोसाइटी थिएटर यहाँ का कल जो कल्चरल सीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उससे मैं मुखातब हुआ तो आ, ना सिर्फ हिंदुस्तानी जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान की जो अलग भाषाओं का सिनेमा है वो देखा पैरल सिनेमा ना सिर्फ मेन स्ट्रीम बट आर्ट सिनेमा देखा दूसरी दुनिया का सिनेमा देखा यूरोप का सिनेमा जापान का सिनेमा तो ये जो समझ में आई बात की सिनेमा किस तरीके का अथाह समंदर है और उसमें जाकर के यू you नो know, कोशिश करो दिल्ली से मुझे एक्चुअली दिशा मिली कि ये करना चाहिए और मैं जब मेरा इम्तहान खत्म हुआ थर्ड ईयर का मैं मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया अनरिजर्व गाड़ी में बैठ करके मैं बंबई आ गया और बस जर्नी वहां से शुरू तालियां तालियां इनके लिए बिल्कुल ही आउटसाइडर इन गया है और उस हॉल ऑफ फेम में आपकी भी तस्वीर है क्या बात है तो देखिए उस समय ख्याल आया फिल्मों का और आज हॉल ऑफ फेम में इनकी तस्वीर है वहां मगर फिर आप मुंबई गए फिर विशाल भारद्वाज से मुलाकात कैसे हुई कब हुई क्योंकि आपके जो इनिशियल हैं और जो इनिशियल फिल्मोग्राफी है वो विशाल भारद्वाज के साथ ही है जी पहले दस साल मैंने विशाल जी के साथ काम किया और उनसे मुलाकात तो एक ऐसा ही बाई चांस हो गई थी कॉमन एक के थ्रू और वो एक पहली फिल्म बना रहे थे अपने बच्चों की और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ तो वैसे मुलाकात तो यूं ही हो गई लेकिन पहली दफा मिलने से ही और उसके बाद थोड़ी बातचीत करने से ही एक जो कनेक्शन हुआ हमारा हम दोनों का जो परिवेश है वो बहुत सिमिलर है वो भी उत्तर प्रदेश से हैं मैं भी वो भी हिंदू कॉलेज से हम मैं भी मध्यम -मध्य, वर्गीय परिवार वो भी तो वो सब था तो हमारे ऑल्दो अल, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं लेकिन एक एक कनेक्शन जो था वो इमीडिएट था तो आज भी वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं इंडस्ट्री में और आ, और और वो आ, समय इतना इंटरेस्टिंग था कि, कि वो म्यूजिक डायरेक्टर से डायरेक्टर बन रहे थे तो और डायरेक्शन का जो, जो की you know, मिल, बंबई समझने की कोशिश कर रहा हूँ सिनेमा समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक तरीके से डिफरेंट टाइम्स इन आर लाइफ बट ग्रोथ साथ में हो रही है। और खतरनाक दोस्ती हो गई और उसके बाद हम फिल्मों की बातें किया करते थे जब कुछ और भी चल रहा है अलग-अलग फिल्मों के बारे में डिस्कस किया करते थे उन्होंने ही मुझे पुश किया कि तुमको अगर डायरेक्टर बनना है तो तुम पहले राइटिंग करो तभी तुम डायरेक्टर बन पाओगे क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है बकर हिंदुस्तानी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा जरूरी है और फिर लिख लिखिए तो लिखी हाँ, फिल्म तो फिल्में लाइक ओमकारा ओमकारा कमीने या तो हमने साथ में फिर लिखना शुरू किया और वो एसोसिएशन मतलब बहुत ही बहुत ही सैटिस्फाइंग हमने जो फिल्में लिखी ब्लू अम्बरेला से स्टार्ट करके ओमकारा कमीने मटरू इश्किया डेड इश्किया हमने ये सारी फिल्में साथ में लिखी और आ, आ, मेरी लाइफ का आ, मतलब वो जो, जो मैं डायरेक्टर आज हूँ वो उसकी वजह वो एक्सपीरियंस था विशाल जी के साथ काम करना

के बारे में कलाकार तो कमाल के हैं ही लेकिन अगर डायरेक्टर को अपना काम नहीं आता है तो तो उसकी खैर नहीं तो मुझे भी बड़ा डर था कि यू नो आई शुड नॉट हिम बट सबसे बढ़िया मोमेंट इनटू द शूट एक छोटा सा कोई मोमेंट था और उन्होंने मैं, मैं दूर था

बन गई उस फिल्म की टॉमी सिंह आलिया भट्ट का किरदार जो है तो, you know, kind of कहावलेंट तो बहुत था ये बहुतों को पता था हिमाचल प्रदेश में खास करके पंजाब में मगर किसी ने इस पे फिल्म बनाई नहीं और वो भी जिस तरीके से आपने बनाए तो उसके वो फिल्म का आइडिया कहां से है जरा बताइए कंट्रोवर्सी भी हुई डिड यू एंटिसिपेट दैट पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं वो फिल्म घुस गई थी उस वक्त नहीं uh, जो कंट्रोवर्सी का जहां तक सवाल है तो हम तो uh, 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 हम हम वी वर नाइव यू नो वी एक्सपेक्ट वी डिन थिंक हमें तो लगा हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमें तो ऐसा लगा था और क्या, हुआ यूं कि ये आइडिया आया कि लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स थ्रू अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स ये बेसिक आइडिया था और पीपल हु आर ड्रग यूजर्स जो कि विक्टिम्स हैं जो ड्रग अब्यूज का विक्टिंग है victim है विक्टिम एंड पीपल हु आर फाइटिंग दिस लाइक द पुलिस द लॉ इनफोर्समेंट द डॉक्टर्स जो कि सामाजिक तौर पे इस चीज से लड़ रहे हैं उनके बारे में कहानी कहने की अर्ज थी और हम पंजाब गए और मेरे जो राइटर है सुदीप शर्मा साहब वो भी गए हमने वहां वक्त बिताया हम लोग का फिर भी पंजाब में जाने के पहले हम फिर भी ये सोच रहे थे कि हमें कोई कूल फिल्म बना रहे हैं जो यूथ को अपील करेगी लेकिन जब हमने जा कर के वहाँ पर देखा जो 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 सच्चाई थी हमने ये सारी एम्बिशंस छोड़ दिए हमने कहा कि ये, अब ये फिल्म बना रहे हो तो आपकी ये हो गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू के नॉट बी कैवेलियर अबाउट इट यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट वट यू गोइंग टू शो तो फिर हमने उस कहानी को उस तरीके से लिखा जिसमें हमारा एजेंडा ये था कि हम जितने ज़्यादा लोगों को इसके इसके बारे में ये मैसेजिंग दे सकें दैट वॉज प्योरली आर एजेंडा रादर देन जो भी हम जो जिसमें जिसमें गाने भी हो जो एंटरटेनमेंट भी हो कॉमेडी वो सिर्फ इसलिए हो ताकि लोग देखने में इंटरेस्टेड हो जाएं और एक्चुअल जो असली मैसेज है उसको देखें तो दैट वाज आर एजेंडा एंड एंड आई थिंक आई मीन इन पार्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी में भी वी वर सक्सेसफुल एबल टू डू इन इन बीइंग एबल टू डू सो इट्स अ फिल्म दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ ओके सोन

And, uh, लेकिन वो बहुत ही अलग किस्म का लड़का था वो uh, uh, जिस तरीके जिस तरीके की किताबें पढ़ता था जिस तरीके की बातें करता था यू नो ही वेरी सीरियस पर्सन एंड जब उसने ये कहानी पढ़ी उसका इमिजिएट कनेक्शन हो गया नहीं तो क्या होता था आमतौर पर बॉलीवुड स्टार्स के पास जाओ और उनको स्क्रिप्ट दो एक तो मीटिंग मिले तो उनको स्क्रिप्ट दो तो कई महीनों लग जाते हैं Uh, लेकिन सुशांत को मैंने एक बजे स्क्रिप्ट दी और चार बजे उसका फोन आ गया कि मैं कर रहा हूँ तो इट वाज दैट इमीजिएट बिकॉज ही रियली रिलेट टू ट्राइंग टू से एक एक लेवल पे वो जाति भेद के बारे में है एक एक लेवल पे मिसोजनी के बारे में है लेकिन अस, असली जो चीज है वो है इट वॉज अबाउट लिविंग विद गिल्ट लिविंग विद योर और उस चीज से उसका वो पकड़ पाया उस चीज को और उसको ये भी एहसास था जब हम फिल्म बना रहे थे कि मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गज हैं फिल्म में और भी तमाम जो कलाकार थे वो काफी थिएटर से आए हुए काफी जमीन से जुड़े हुए कलाकार थे और सुशांत को सुशांत ने कहा मुझे अपना गेम अप करना पड़ेगा और उसने एक स्टूडेंट के जैसे दो महीने तक दो शूटिंग के दो महीने पहले से उसने जो तैयारी की यू नो you know, वही कपड़े पहन के वही जूते पहन करके उस चंबल uh, के एटमोसफेयर में ऊपर चढ़ना नीचे उतरना और उनकी तरह तो जो मेहनत की जो तैयारी की बिकॉज ही बिकेम वन ऑफ देम यू नो यू टेल द डिफरेंस तो उस लड़के का जो कमिटमेंट था उस लड़के का जो पैशन था वो बहुत ही कम देखने को मिलता है लोग आमतौर पे हमारी इंडस्ट्री में अपनी इमेज में बड़े फंसे रहते हैं